अस्सलाम वालेकुम जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही एडवांस की टिप्स सीखने वाले हैं। अगर आप रेडी हैं तो चलिए जंप इन करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और भी करीब से अच्छे से सीखते हैं। स्क्रीन आपके सामने हाजिर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसे ओपन किया। यहाँ से ओपन करने के बाद मेरे पास ये यहाँ पे तीन टेम्पलेट्स आ रहे होंगे, वेलकम टू एक्सेल वाला जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया हुआ है, दूसरा है हमारे पास फार्मूला ट्यूटोरियल, तीसरा है पिवट टेबल। फॉर्मूला ट्यूटोरियल को मैं ओपन करता हूं, यहां से क्रिएट पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे पास इस तरीके से प्रॉपर एक ट्यूटोरियल ओपन हो जाएगा। तो गेट स्टार्टेड विद फॉर्मूलास, हमने फॉर्मूला को देखना है। जैसे कि हमने बेसिक फॉर्मूले पहले देख लिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे गौर करें हम उन फॉर्मूलों को और भी डिटेल के अंदर देख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करके से थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड पावर किस तरीके से आती है। तो ये सारे का सारा काम हम कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास किसी भी सेल को अगर जमा करना है तो ये तरीका कार है, हमने किसी भी सेल को अगर माइनस करना है तो ये तरीका कार है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स सी, एडिशन करनी है हमने, यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से आता है। चेक दिस आउट, चेंज द नंबर हियर एंड वॉच द फॉर्मूला रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंजेस। यहाँ पे नंबर है हमारे पास से फॉर एग्जाम्पल 1, इसको हम 2 कर देते हैं और एंटर करते हैं तो यहाँ पे चेंजेस आ रही है हमारे पास, क्योंकि ये यहाँ पे इसका रिजल्ट आ रहा है। अब अगर मैं इसको 1 करूँ तो यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। मैं अगर यहाँ पे 4 करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो आंसर्स यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं ये फॉर्मूले के तहत चल रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर मैंने एडिशन करनी है तो मैं इक्वल टू लिखूंगा, इक्वल टू लिखने के बाद ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा, प्लस करके ये वाला सेल सेलेक्ट कर लूंगा। इसी तरीके से माइनस है, इक्वल टू दिस सेल माइनस दिस सेल। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन है, डबल क्लिक करके इक्वल टू दिस वन एस्टेरिक दिस वन, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से डिवीजन है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल के इसको सिलेक्ट करूँ, डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं पावर को लिखूँ तो मैं यहाँ पे इक्वल टू डाल के इसको लिखूंगा, इसकी पावर जो हैट होता है हमारे पास साइन कैरेट का, इसको हम लगाएंगे और 2 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ योर फार्मूला वर्क्स, और ये फार्मूला हमने लिखा और यहाँ पे इसका आंसर ऑलरेडी मौजूद था। हमारे पास और भी तरीकेकार होते हैं, हम ऑपरेटर्स को भी यूज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे सेल का रेफरेंस है और ये हमारे पास दूसरे सेल का रेफरेंस है, सेंटर में ऑपरेटर है, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करके हम इसको हल कर सकते हैं। इसी तरीके से पूरे रेंज का भी हम सम ले सकते हैं, वे एक फंक्शन होगा, ये हमारे पास इसका ऑपरेटर है, ऑपरेटर को यूज करके भी सम हो सकता है, फंक्शन जो सम का फंक्शन है उसे भी लगा सकते हैं। इसी तरीके से सम के अलावा डिफरेंट अदर फंक्शंस भी हमारे पास जो है वो मौजूद हैं। हमारे पास इस तरीके से सम का फंक्शन, बेसिक फंक्शन या बाकी कोई भी जो फंक्शन है वो काम करता है। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि हमारे पास सम का फंक्शन कैसे चलता है। जैसे कि ये हमारे पास है 4 एंड 8, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। यहाँ पे अगर इक्वल टू देखें तो हमने सम लगा के ऊपर वाले दोनों को जमा किया है। जैसे सम लिखूंगा, टैब दबाऊंगा, दिस वन प्लस 8, तो ये हमारे पास इन दोनों का सम आ गया। सो दिस इज अ फंक्शन, सम जो है हमारे पास बेसिक फंक्शन है। इसी तरीके से डिफरेंट अदर फंक्शंस होंगे, जैसे मैं इंट्रोडक्शन टू फंक्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन है, सम एंड एक है ऑटो सम, और फिर हमारे पास डिफरेंट अदर किस्म की भी चीजें हैं जो यहाँ पे आ रही है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सम है, एप्पल्स जो है 50, 20, 60, 40, ये इसका सम किया हुआ, ये इसका फॉर्मूला है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मीट का सम करना है। मैं इक्वल टू लगाता हूँ, यहाँ पे सम लिखता हूँ कैपिटल लेटर्स के अंदर, उस सम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, समथिंग लाइक दिस, सम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं पूरी रेंज लगाता हूँ, ब्रैकेट बंद करता हूँ। दिस इज हाउ यू कैन सम डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है कि मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद alt equal दबा दूँ तो ये ऑटोमेटिकली मेरे पास पूरी ऊपर वाली वैल्यूज को सम कर देगा। मैंने alt और equal दबाया, ये दोनों बटन, एक alt का एक equal का, तो मेरे पास सम जो है वो ऑटोमेटिकली हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे आके हम दोबारा से काउंट भी कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग सम वी कैन ऑल्सो काउंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ काउंट, काउंट लिखने के साथ ही ये मेरे पास फार्मूला आ गया। लगाने के बाद इन सभी रेंज को सिलेक्ट किया, ये हमारे पास जनाबे वाला काउंट आ गया। काउंट का मतलब है ये कितनी वैल्यूज हैं, कितने सेल्स हैं, तो मेरे पास 5 आ गए। एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज काउंट फंक्शन। तो इनको हम बोलते हैं फंक्शंस। इसके अलावा हमारे पास और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे हमने सम का यूज किया कुछ इस तरीके से, सम का फंक्शन इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। सम लिखने के बाद द फर्स्ट आर्गूमेंट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज रिक्वायर्ड, ये पहला आर्गूमेंट है कि कहाँ से कहाँ तक, एडिशनल आर्गूमेंट सेपरेटेड बाय कोमा, हम उनको भी लिख सकते हैं। मतलब कि हम डिफरेंट आर्गूमेंट्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं और सम कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, आप डिफरेंट किस्म की रेंजेस जो है वो लगा सकते हैं। तो सम का तरीकाकार ये है कि आप डिफरेंट रेंजेस को भी जमा कर सकते हैं, सिंपल एक रेंज को भी जमा कर सकते हैं, एंड देन यू कैन डू सम अदर थिंग्स एज वेल।
द टूडे फंक्शन रिटर्न टू डेज डेट, अगर आप टूडे लिखेंगे तो आपका फंक्शन जो है वो टूडेज डेट जो है वो आपके पास ले आएगा। तो हमारे पास सम की तरह और भी फंक्शन चलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सम का कमांड लगाई तो सम हो गया था, यहाँ पे टोटल आ गया हमारे पास। कैसे, अगर आप गौर करें, हमारे पास हमने सम किया है, ये जितनी वैल्यूज हैं ये 20, 10, 10 और 40, और जमा हमने 100 वाली एडिशनल वैल्यू को भी जमा कर दिया, यानी कोमा लगा के कुछ और भी जमा करना है तो वो टोटल हो जाएगा। ठीक है, सो ये टोटल 80 है, लेकिन हमने एडिशनल वैल्यू एक 100 की भी जमा की यहाँ पे, विच मेक्स इट 180। ठीक है, इस तरीके से हम न्यू टोटल कर लेते हैं, एडिड वैल्यू ये है, एडिशनल वैल्यू ये है, और न्यू टोटल ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट अदर वैल्यूज भी होती हैं, अगर आप इस शीट को गौर से पढ़ें, जैसे टू डे की डेट है, अगर आप टू डे लिखेंगे तो आपके पास डेट आ जाएगी। मैं यहाँ पे किसी भी एक सेल पे क्लिक कर देता हूँ, या मैं एक नई एक्सेल की शीट भी ओपन कर सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं ब्लैंक शीट को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं जूम इन करता हूँ, इक्वल टू टूडे लिखता हूँ, टूडे लिखने के बाद मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ, एंड हियर यू गो, आज की डेट जो है 19 जुलाई 2024 है, ये आपके सामने आ गई है, एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली राइट डाउन एनी काइंड ऑफ फंक्शन और आपके पास उस दिन की डेट आ जाएगी, और ये डेट वो वाली शो होती है जो आपके सिस्टम की डेट है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर थोड़ा सा नीचे जाएं तो आपके पास और भी ऑल अबाउट सम फंक्शन, सम इफ और बाकी ऑटो सम वगैरह को भी देख सकते हैं, काउंट फंक्शन को भी देख सकते हैं, फ्री एक्सेल ट्रेनिंग को भी देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अगला फंक्शन हमारे पास है एवरेज। एवरेज कैसे लेते हैं, सेम उसी तरीके से इक्वल टू लगा के एवरेज लिखेंगे। एवरेज का मतलब होता है औसत, यानी कि ये सभी को जमा करके इनके नंबर पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज होती है, यानी कि 50 जमा 20 जमा 60 जमा 40 डिवाइडेड बाय देयर काउंट, काउंट क्या है 4, तो 50 जमा 20 70 70 जमा 60 130 और 40 जमा 20 70 70 और 60 हमारे पास आ गया 60 13 130 और 40 हमने किया 170 को डिवाइडेड बाय 4 किया जाए तो ये हमारे पास 42.5 आ गया, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। अब इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एवरेज की बजाय इसका टोटल ले लेता हूँ, यानी कि इसको सम करता हूँ, सम करने के बाद यहाँ से इन सभी को सम किया, एंड दिस इज 170, 170 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 4 करूंगा ये इसकी एवरेज होगी। तो हमारे पास मल्टीपल फार्मूला के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है, सम वाले फार्मूला के थ्रू भी, लेकिन अगर ऑटोमेटिकली हमारे पास इसका फंक्शन मौजूद है, व्हाई शुडंट वी यूज दैट वन। ठीक है, तो हमने ये यूज कर लिया। अब इसके अलावा आप जो आपके पास एवरेज आ रही होती है, आप ऑटो सम या टाइप टू अनदर एवरेज फंक्शन की तरफ भी जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगर आप गौर करें यहाँ पे सबमिशन का बटन आ रहा होगा आपके पास टॉप टॉप पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, एवरेज पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पास ऑटो एवरेज आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू दैट वन एज वेल। तो यहाँ पे सम आ रहा है, एवरेज आ रहा है, काउंट नंबर भी आ सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे एवरेज को भी आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल्ट इक्वल टू लगाता हूँ तो ये हमारे पास इस तरीके से सम आ रहा है, मैं यहाँ पे इसको एवरेज से चेंज कर देता हूँ, एंड हियर यू गो। ठीक है, तो इस तरह काफी आपके पास तरीके हैं। अब अगर आप इसका मीन मीडियन मॉड देखना चाहें, जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, मीन होता है एवरेज, मीडियन होता है, आप यहाँ पे मीडियन लिखे सेंटर ऑफ एनी नंबर, तो मैं यहाँ पे मीडियन लिखता हूँ और ये सभी को सिलेक्ट करता हूँ तो हमारे पास मीडियन आ गया, यानी कि उसका सेंटर। ठीक है, इन चार पांचों नंबरों का सेंटर। और इसी तरीके से आप मॉड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉड, मॉड लिखने के बाद आप अगर देखें तो यहाँ पे 50 जो है वो मॉड है। ठीक है, मॉड जो रिपीटेड मेजर्स होती हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली चेक मीन मीडियन एंड मॉड। अब आपको मैं एक और तरीका बता देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे जो स्टेटिस्टिक्स की मेरी बुक है उसके अंदर ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि आप मीन मीडियन मॉड को किस तरीके से देख सकते हैं। ये है बुक ABC ऑफ स्टेटिस्टिक्स, और ABC ऑफ स्टेटिस्टिक्स का जो लिंक है आप कोडेनिक्स की वेबसाइट पे जाके बुक्स के अंदर आपके पास डायरेक्ट इसका लिंक होगा। ये बुक्स है, ये ABC ऑफ स्टेटिस्टिक्स यहाँ पे आ रही है, आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके इस बुक को जो है वो देख सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है इस बुक के अंदर, उसको अगर आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 5.4 वाले चैप्टर को ओपन करते हैं, एंड हियर यू कैन सी के एवरेज क्या होती है, मीन क्या होता है, और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, इसके बाद आपके पास ज्योमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, मीडियन क्या होता है, एंड देन एग्जांपल के साथ मीडियन को भी बताया ऑड एंड इवन नंबर के, फिर आपको बताया मॉड क्या होता है और सिंगल मॉड क्या होता है, मल्टीपल मॉड्स क्या होते हैं, यू कैन एक्चुअली सी दैट। मॉड की टाइप्स भी बताई हैं, यूनी मॉडल है, बाई मॉडल है, मल्टी मॉडल है, नो मॉड, कभी कभी नो मॉड आपके पास होता ही नहीं है। ठीक है, मॉड की इंपॉर्टेंस और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हैं। तो आप ABC ऑफ स्टेटिस्टिक्स की बुक कोडेनिक्स पे जाके देख सकते हैं और वहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ों को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट कि किस तरीके से हम मीन मीडियन को यूज़ करते हैं। अब मिन मैक्स की तरफ चलते हैं। मिनिमम होता है किसी भी नंबर
का सबसे छोटा नंबर है, ये चार के चार नंबर है, इनमें सबसे मिनिमम कौन सा है वो देखते हैं। इक्वल टू मिन का फंक्शन लगाया आपने और इन सभी को आपने सिलेक्ट कर लिया एंड एंटर, दिस इज द मिनिमम नंबर। अब इसी तरीके से मैक्स लिखेंगे तो जब से बड़ी सबसे बड़ी क्वांटिटी है उस एक डेटा की वो आपके सामने आएगी। ऑफ कोर्स इसका जो मैक्सिमम नंबर है बड़े वाला वो 50 है या 20 है, सो 20 मिनिमम है और मैक्सिमम 50 है, ठीक है। यहाँ पे अगर मिन और मैक्स दोनों में से कोई देखना हो, मैं यहाँ पे मिन देखता हूँ, इक्वल टू min मिन लगाने के बाद इस फंक्शन को हम सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं। आई नो कि यहाँ पे 20 जो है वो मिनिमम फंक्शन है, अगर मैं मिन को मैक्स में चेंज कर दूँ तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला इनसाइड द एक्सेल शीट। तो आप रेंजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, काफी ज्यादा रेंजेस को, और उनमें से भी मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं और बाकी कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे मिन लिखता हूँ और मैं चाहता हूँ जितनी भी मेरे पास क्वांटिटीज है सभी का मेरे पास मिन आए, तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, फिर इनको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, फिर इनको सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, एंड देन आई विल सिलेक्ट दिस रेंज एंड आई विल टर्न क्लोज द ब्रैकेट एंटर। ये मेरे पास 10 वैल्यू जो है इन सभी में से मिनिमम है, यानी कि जितनी वैल्यूज मेरे पास थे सबसे छोटी वैल्यू 10 है। ये अक्सर औकात आपके तब काम आती है जब डेटा बहुत बड़ा आपके पास हो। ये हो गया मिन मैक्स। इसी तरीके से डेट टाइम को आप देख सकते हैं। अगर आप गौर करें, टूडेज डेट आपने लिखनी है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे टूडे लिखेंगे एंड आपके पास जो है वो आज की डेट आ जाएगी। टूडे लिखने के बाद ब्रैकेट बंद करें, ये आ गई जी आज की डेट, विच इज 19 जुलाई 2024, ठीक है। अब ये वाला डेट का फॉर्मेट यहां से आप चेंज भी कर सकते हैं, समथिंग लाइक लॉन्ग डेट, तो आपके पास ये लॉन्ग डेट आ जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा ओपन करता हूँ, इस तरीके से ये लॉन्ग डेट आ गई। अगर यहीं से इसकी मैं अगर टाइप चेंज करूँ शॉर्ट डेट में, इट विल लुक लाइक दिस, और अगर इसको मैं जनरल में चेंज करूंगा, यू विल सी अ चेंज, ये नंबर आ जाएगा विच इज नॉट रिकग्नाइजेबल। तो आपने शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट रखनी है, ठीक है। यहाँ पे हो गया जी शॉर्ट डेट, मैंने रख दी आज ये है। अब आप क्या करेंगे, यहीं पे अपनी बर्थ डेट लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी एक बर्थ डे लिखता हूँ, किसी की मैं लिख देता हूँ, मैं अपनी नहीं लिखता जस्ट फॉर द प्राइवेसी इश्यूज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 31, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 05, उसी फॉर्मेट में लिखनी है 31, और यहाँ पे 1996, ठीक है। ये मैंने डेट लिखी 31 मई 1996। जैसे मैंने वो लिखी है, नाउ यू कैन सी डेट डेज अंटिल योर बर्थडे, ठीक है। आप कितने साल के हैं, यानी कि यहां से लेके माइनस यहां तक, तो हमने जब डेट माइनस की तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया जनरल में। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ शॉर्ट डेट के अंदर, विच विल नॉट गिव मी एनीथिंग, क्यों, क्योंकि आपको भी पता है कि डेट जो है वो नंबर्स में नहीं आएगी, ये काउंट है। तो इसको नंबर में जब मैं करूँ या अगर मैं इसको जनरल करूँ तो ये मेरे पास 1000 या 10276 टोटल मेरे पास जो है वो डेज अंटिल योर बर्थडे वो आ गए हैं। अगर मैं इसको दोबारा से देखूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 19 जुलाई है, यही है, यही है, और इस तरीके से आप इसको और भी देख सकते हैं इफ फंक्शंस के साथ। से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर गौर करें, ग्रेस पीरियड डेज अगर आप इसमें से निकाल दें एंड बिल ड्यू ऑन, आप वो भी देख सकते हैं। तो इस शीट को अगर आप गौर से देखेंगे, यू विल सी कि सब्ट्रैक्ट कैसे की जाती हैं डेट्स और ऐड कैसे की जाती हैं डेट्स। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, if you don't want Excel to display negative numbers because you haven't entered any birthday yet, you can use if function like this, और उसके थ्रू भी आप लिख सकते हैं। तो इसे एक्सेल की शीट को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आ जाएगी करंट डेट किस तरीके से लिखनी है। अगर आप यहाँ पे टूडे की बजाय नाउ लिखते हैं तो आपके पास करंट टाइम आ जाएगा, ठीक है। इस वक्त ये टाइम चल रहा है, इस वक्त जर्मनी के अंदर जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो चेंज द टाइम फॉर्मेट, यानी कि मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वन प्रेस करता हूँ, सो देयर यू कैन चेंज द टाइम फॉर्मेट। मैं इसको जूम इन करता हूँ थोड़ा सा, आपको समझ आ जाएगी। मैंने कंट्रोल प्लस वन को प्रेस किया है, कंट्रोल वन को प्रेस करने के बाद ये मेरे पास टाइम की फॉर्मेट आ गई। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस 1:30:55, मैं ये भी लिख सकता हूँ 13:30, और ये मेरे पास फॉर्मेट चेंज हो जाएगा टाइम का, लुक 17 ये हो गया। मैं अगर कंट्रोल वन दबाता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको पीएम वाले फॉर्मेट में भी लेके जा सकता हूँ, ओके करता हूँ, ये मेरे पास इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से डेट का फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है। मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वन को ऊपर जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि डेट मेरे पास जो है वो कुछ इस तरीके से है 14 मार्च, और फिर बाद में 2012 और सो ऑन, या मैं चाहता हूँ मेरे पास कुछ इस तरीके से डेट आए 14 मार्च 2012, मैं यहां से इसकी फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, यू विल सी 19 जुलाई 2024, इस तरीके से डेट आ गए। सो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ डेट्स, और वो कैसे कंट्रोल की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप
कंट्रोल वन प्रेस करेंगे एंड करंट टाइम और डेट्स वगैरह को चेंज कर लेंगे. एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली डील विद एनी काइंड ऑफ टाइम्स. ये टाइम है, टाइम में से कोई दूसरा टाइम माइनस करेंगे तो आपके पास टाइम ही वापस आएगा. यानी कि अगर आपने किसी कंपनी में है, टाइम इन एंड टाइम आउट, लंच इन एंड लंच आउट को कैलकुलेट करें तो टोटल आप वर्किंग आवर्स को काउंट कर सकते हैं और यूजली ये ऑटोमेटिक फॉर्मूले होते हैं. ठीक है, डेट एंड टाइम दोनों की आपको समझ आ गई. और आपको मैंने जैसे बताया कंट्रोल प्लस, ये इसका शॉर्टकट है. अगर आपने कहीं पे डेट डालनी है आपको कंट्रोल प्लस ये सेमी कॉलन डालेंगे तो आपके पास डेट आ जाएगी. कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन दबाएंगे तो ये आपके पास टाइम आ जाएगा. अभी का मैं अभी आपको दिखाता हूं ये किस तरीके से होता है. यहां पे मैं जाता हूं, मैं कंट्रोल और सेमी कॉलन दबाता हूं तो मेरे पास खुद ब खुद टूडे वाला फॉर्मूला यहां पे लग जाएगा और डेट आ जाएगी. ठीक है, एंड ये ऑटोमेटिकली एक्सेल का फंक्शन है. कंट्रोल और प्लस कॉलन, कंट्रोल और कॉलन का बटन. अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट सॉरी सेमी कॉलन का बटन, नॉट कॉलन, और अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन का बटन दबाता हूं या कॉलन वाला तो मेरे पास टाइम आ जाएगा. एंड दिस इज हाउ यू कैन एग्जैक्टली राइट डाउन द टाइम एंड डेट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग. और ये सिस्टम की डेट होती है. जैसे मैं अगेन दबाता हूं कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ तो ये मेरे पास इस तरीके से ऑटोमेटिकली आ जाएगा. और ये नंबर्स की फॉर्मेट में आएगा या डेट की फॉर्मेट में आएगा, इट विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अदर फॉर्मेटिंग. तो ये इसके शॉर्टकट है. ठीक हो गया, डेट एंड टाइम की समझ आ गई आपको. होपफुली यहां तक आपको समझ आ गई होगी. अब अगली जो शीट्स हैं जिसमें ज्वाइनिंग टेक्स्ट और बाकी चीजें, ये आपने खुद से भी प्रैक्टिस करनी है और आने वाले लेक्चर के अंदर मैं भी आपको समझाऊंगा. अपना ख्याल रखें और डेटा एनालिस्ट के बूट कैंप के अंदर आप मेहनत करते जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा. टेक केयर एंड सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.